बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को ब्रोकीज़ बनाना सिखा रही हूँ, जो कि ब्राउनीज़ और कुकीज़ का मिक्सर बहुत जल्दी बनेगा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं। पहले हम लोग रूम टेम्परेचर वाला बटर लेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे और उसके अंदर आप लोगों ने कोको पाउडर डालना है। मेक श्योर करें कि बटर बहुत वार्म हो। जब आप उसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे तो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, उसका फ्लेवर बहुत डीप तक जाएगा। उसके बाद आपने उसके अंदर शुगर डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर आपने उसमें 2 eggs डालें रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज वाले यूज़ नहीं करें, पहले निकाल के बाहर रख दें। फिर उसके अच्छे से मिक्स करके आप वनीला एसेंस डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे। उसको हल्का सा मिक्स करके आप लोगों ने सिफ्टेड फ्लावर यूज़ करना है, छान के फ्लावर को यूज़ करना है, ऑल पर्पज़ फ्लावर। और उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरह से नज़र आएगी, वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपनी 1/2 cup चॉकलेट चिप्स ऐड करनी है, चॉकलेट चंक्स ऐड नहीं करने हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग पार्चमेंट पेपर लगा के बेकिंग ट्रे के अंदर इसको निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर 9x9 inch का पैन यूज़ करें ब्राउनी वाला। आपने स्पैचुला की हेल्प से इसको लेवल करके इस तरह से टैप करके अच्छे तरीके से इसको साइड पर रख देना। उसके बाद आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट बटर लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी बारीक चीनी और लाइट ब्राउन शुगर अच्छे से डाल के मिक्स करके वनीला एसेंस रूम टेम्परेचर एग ऐड करना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एग्जैक्टली इतनी क्वांटिटी ऐड करनी है, ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ऑल पर्पज़ फ्लावर भी अच्छे तरीके से इतनी क्वान्टिटी में ऐड ही करना है। सॉफ्ट सा बैटर बनेगा, हार्ड बैटर नहीं होगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। चॉकलेट चिप्स को ऐड करेंगे, चॉकलेट चिप्स को अच्छे से मिक्स करके फिर हम लोग इसको अपनी ब्राउनी बैटर के ऊपर स्पून की हेल्प से इस तरह से इसके लेयर्स बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद आप लोगों ने बहुत हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करना है, ज़्यादा आप लोगों ने दबा के इसको स्प्रेड नहीं करना। नीचे से चॉकलेट की लेयर भी आपको नज़र आती रहेगी, तो हल्के हाथों से स्प्रेड कर लें, सारी जगह भी नहीं फैला देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको 180 degree या 170 degree पर लॉयर रोड के ऊपर बेक कर लोगे फॉर 25 to 30 minutes और आपकी ब्रोकीज़ तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अपना कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे फीडबैक लाजमी देना है।